सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। चलो शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग की और नए दिन की। आज संडे, संडे के दिन कोई आता नहीं है प्लांट पे, इसलिए मैं क्या वीडियो वगैरह शूट मैं कर लेता हूँ तरीके से, ब्लॉग बनाता हूँ, भाई लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि और कोई तो होता नहीं है बातचीत करने के लिए यहाँ पे। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं तुम्हारे 6:30, मॉर्निंग के 6:30, और माहौल बहुत ही प्यारा माहौल हो रखा है, बहुत प्यारा माहौल, बहुत प्यारा माहौल। और चिड़ियाएँ घूम रही हैं इधर मस्त मस्त तरीके से, हाय हाय। और अब थोड़ी देर बाद मैं चलूँगा नाश्ता करने के लिए, डकार पहले ही आ गई नाश्ता कर दे तो फिर जाऊँगा, डकार आ गई पहले, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ प्लांट पे, देख लेता हूँ क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इधर, कोई इशू तो नहीं है। वो चेक करने के बाद दर मैं नाश्ता करने जाता हूँ, पहले प्लांट अच्छे से चले तो उसके बाद ही मैं नाश्ता करने जाता हूँ, अदरवाइज कोई इशू है तो उसको सॉर्ट आउट करो, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज अभी देखो माहौल कितना प्यारा हो रखा है, वो देख लो पहले देख में ये। और एक प्यारी सी चीज़ बताता हूँ आपको ना, प्लांट में मुझे एक जो साथ में यहाँ पे बंदे काम करते हैं कालू गैंग, उन्होंने मुझे किसी ने एक ने वो बताया था इधर पे तरबूज लगा हुआ है करके, तो मैंने देखा था वो इधर पे ही वो तरबूज है। देखो थोड़ा सा जूम करोगे जहाँ पे वाइट कलर की लकड़ी दिख रही है उसके भी जस्ट पीछे पे, जिस दिन खाएंगे ना उस दिन आपको दिखाएंगे कि तरबूज अफ्रीकन तरबूज होता कैसा है। सेम होता है, ऐसा कोई डिफरेंट है नहीं खाएंगे आप लोगों को भी खिलाऊंगा, ठीक है ना खांसी हो रही यार, क्यों नहीं होनी चाहिए थी उसे खांसी मुझे भाई। पता है एक बेहतरीन चीज़ क्या दिखती है मुझे यहाँ पे, अभी चिड़िया आएंगी ना, पिछले वाले ब्लॉग में यहाँ आपने देखा था, सो गाइस आज है हैप्पी एनवायरनमेंट डे, और आप सब लोगों को हैप्पी एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एनवायरनमेंट डे के दिन देखो कितनी हरियाली दिख रही है मेरे को, और आज का मौसम ना इतना प्यारा हो रहा है ना, इतना प्यारा हो रहा है, ठंडा एकदम कूल कूल। बट ये मौसम ना अभी के लिए मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्यों? जब जनरेशन नहीं होगी तो फ़ायदा क्या है, जनरेशन होना बहुत ज़रूरी है। धूप है नहीं, बहुत दुख की बात हो रही है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा दुख की बात हो रही है। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता ना, ये ऊपर पे आपको एक लाइट दिख रही होगी, उसके ऊपर एक कबूतर बैठा है, हमारे यहाँ घुघुत बोलते हैं इसको, यहाँ पे शायद घुघुत ही बोलते होंगे, और ये ऊपर से घोंसला बना रहे, देख रहे हो ऊपर से तार के टुकड़े उठा के, वो देखो भाई क्या ज़बरदस्त टेक्निक है, ये पूरा इसके ऊपर घोंसला बना रहे हैं, और वो फिर चले गया उड़ के उधर लेने के लिए, गया कहीं आउटसाइड में जाएगा वो फिर से लेके आएगा। संडे के दिन भी ये घर बना रहे हैं भाई, रहने के लिए तो कुछ ना कुछ ये संडे या मंडे क्या देखा जाता है। बहुत ही प्यारा कंटेंट मिला मुझे यार अभी तो। तो गाइस ना मैंने यार अभी खाना खाना खा के आया, मस्त वाला मज़ा आ गया, संडे था वैसे भी खाना ठीक ठाक रहता है, मज़ा आ गया। और मैंने एक चीज़ अपने आप को क्या देखी, अभी तो मैं लग रहा हूँ अलग सा लुक लग रहा हूँ यहाँ से, एकदम ऊपर अलग लुक दिख रहा है। मैंने इन तीन चीज़ों से फ़ायदा देखा, टोपी चश्मा और मास्क से एक फ़ायदा देखा, धूप से तो हम बच जाते हैं, धूल धक्कड़ जाती है उससे बच जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी को घूरना है ना उसे भी हम आराम से घूर सकते हैं, और किसी को बेस्ट ट्रिक
इग्नोर करना है, फेस टू फेस भी इग्नोर करना है ना, पास जाके भी इग्नोर कर सकते हैं उसको। कर सकते हैं ना इग्नोर, मैंने किया ना 2-3 लोगों को इग्नोर। सो गाइस, जब तो हो गया टाइम निकलने का, जाने का रूम पे। रूम पे जाके भी देखते हैं क्या क्या शरारत करने का मन करे, कुछ है या नहीं है रूम पे शरारत करने का टाइम। दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा, उधर देखो ना यार, उधर क्यों देख रहे, घर देखो। तो गाइस, जब दिन भर बैठ बैठ के बोरियत आ चुकी है, अब निकलने का तैयारी हो गई है, क्या किया जाए। टाइम ही ऐसे होता है मेरा निकलने का और काम करने का, सकल दिन भर बैठे बैठे भी क्या हालत हो गई ना, गर्मी इतनी है बाहर ना हद से ज़्यादा। अब निकला जाए, प्लांट देख लिया तुम सबसे पहले, कितना प्यारा लग रहा है ना ड्रोन शॉट। हो सके तो मैं मेंशन कर दूंगा ड्रोन शॉट साइट पे, देख लेना उनको भी, और जो जो आपको अच्छा लगता है वो देखो। रूम पे जाके कुछ मस्ती वगैरह करता हूँ मैं, वो देखना। तो गाइस, जब मैं फाइनली रूम पे भी आ गया हूँ और रूम पे आने के बाद नहा वगैरह लिया, वो रोज़ की तरह तुम्हें पता ही है, रोज़ की तरह मैं नहा वगैरह लेता हूँ, अच्छा सा तंदुरुस्त एकदम मस्त वाला लुक आ जाता है। आज मैंने थोड़ा इसकी सेटिंग चेंज की ना, इससे थोड़ा बहुत कलर इफेक्ट कुछ अलग आ रहा है। आई डोंट नो ये कौन सा इफेक्ट सही लग रहा है या अलग दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, पता है इंसान की हमेशा 3 चीज़ बड़ी होनी चाहिए, क्या? सोच, अकल। मिक्सअप हो गया, सोच अकल, ठीक है। सोच और अकल वैसे अलग अलग होता है, 2 हो गए, 3 चीज़ें बोला था ना। एक चीज़ और बताता हूँ, क्या बताओ जल्दी आप, तब तक बताओ, कमेंट करो और उसके बाद मैं बताता हूँ। और क्या बड़ा होना चाहिए पता है? ख्वाब, समझे? तो इसी के साथ आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, या थोड़ी देर बाद अगर साथ वाले आ जाते हैं तो उन लोगों को से मिलाता हूँ आप लोगों को। दिन भर उन लोगों ने क्या किया, अभी तो गए हैं खाना खाने के लिए, मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ। जैसे खाना खा के आ जाते हैं फिर मिलते हैं आपको, या तो फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलते हैं। और जैसी आएंगे पक्का मिलाऊंगा, और नहीं आएंगे तो नहीं मिलाऊंगा, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलाऊंगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, जल्दी से किया। मैं देख लेता हूँ पहले, कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम लोग, कर लेना, ठीक है, मिलते हैं फिर। अच्छा, ये डोंकी पिक्चर है ना, ये वो बनाया हुआ जैसे बाहर को जाना है, जैसे कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, इसीलिए वो डोंकी लगा के जाते हैं। ये पिक्चर सभी उसी के आधार पे बनाई हुई है। आज हम भी डोंकी वाली मूवी देखेंगे। कौन सी डोंकी वाली मूवी है? अरे बड़े काले आ रहे हैं यार, मेरे को अरे काले आ रहे हैं।